डाइवर्सिटी, ईजीनेस और टूरिज्म को अगर एक शब्द में लिखें तो वो होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी। डाइवर्स इसलिए क्योंकि स्टैचू ऑफ यूनिटी का पूरा एरिया अट्रैक्शन से भरा हुआ है। इजीनेस इसलिए क्योंकि यहाँ घूमना फिरना बेहद आसान है। और टूरिज्म इसलिए क्योंकि साल दर साल यहाँ सैलानियों की तादाद रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ती जा रही है। तो आइए स्टैचू ऑफ यूनिटी का एक चक्कर लगाकर आते हैं और देखते हैं यहाँ पर टूरिस्ट के लिए क्या क्या अमेनिटीज हैं और वो कैसे बिना परेशानी के इस पूरे एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जैसे ही आप स्टैचू ऑफ यूनिटी के टिकट चेकिंग काउंटर पर पहुंचते हैं, आप सिक्योरिटी चेक के बाद अंदर की तरफ जा सकते हैं। अंदर जाते ही आपको मिलेगा वॉकवे, सीनियर सिटीजंस के लिए फ्री गोल्फ कार्ट, डिसेबल्ड पर्संस के लिए फ्री व्हीलचेयर और मेडिकल फैसिलिटी के साथ साथ और भी बहुत कुछ। स्टैचू ऑफ यूनिटी एरिया में आपको पीने के पानी के बूथ्स कई जगह मिल जाएंगे और सबसे अच्छी बात ये है कि पानी फ्री है, आप अपनी बोतल को बार बार रिफिल करवा सकते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी का ये वो पॉइंट है जहां से आपकी स्टैचू के साथ फुल पोर्ट्रेट मोड में फोटो आ सकती है। हजारों टूरिस्ट जो यहाँ आते हैं वो इस पॉइंट से फोटो लेना जरूर पसंद करते हैं। अब चलते हैं हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर, जहां एंट्री करते ही आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के बनने की इंटरेस्टिंग स्टोरी पता चलेगी। इसी हॉल में आपको एक शिलापट भी दिखेगा जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्टैचू ऑफ यूनिटी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए लिखे गए शब्दों को पत्थरों पर उकेरा गया है। और इसके बाद अंदर के हॉल में रखी हुई उनकी प्रतिमाएं भी आप देख पाएंगे। एक सरदार पटेल का चेहरा जो स्टैचू ऑफ यूनिटी का ही मिनिएचर है और दूसरी उनकी पूरी प्रतिमा का छोटा स्वरूप है। और यहाँ भी लोगों की लाइन लगी रहती है उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए। हॉल के अंदर तस्वीरों के माध्यम से सरदार पटेल की जीवनी को दिखाया गया है। यहाँ आपको सरदार पटेल की पढ़ाई, स्वाधीनता संग्राम के विभिन्न आंदोलनों में उनका योगदान और भारत में रियासतों के एकीकरण तक की तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी। अब चलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में, यानी कि व्यूइंग गैलरी पर। यहाँ जाने के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी है। यहाँ टिकट दिखाने के बाद आपको व्यूइंग गैलरी तक जाने वाली लिफ्ट तक जाना होगा। वैसे आपको बता दें कि ये लिफ्ट भी अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल है। ये लिफ्ट आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी में 135 मीटर ऊपर सिर्फ 38 सेकंड में पहुंचा देती है। और यहाँ से सफर शुरू होता है व्यूइंग गैलरी का। व्यूइंग गैलरी में बने झरोखों से आप सरदार सरोवर डैम, नर्मदा नदी, सतपुड़ा और विंध्याचल की पहाड़ियों का नजारा देख सकते हैं। अब चलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के पैरों के पास, जहां से आप सरदार पटेल की प्रतिमा को छू सकते हैं। यहां आकर सच में पता चलता है कि ये प्रतिमा कितनी भव्य और विशाल है, कितनी बारीकी से इस प्रतिमा को बनाया गया है। तभी तो ये प्रतिमा दुनिया में भारतीय इंजीनियरिंग की जीती जागती मिसाल है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का ये सफर यहीं खत्म होता है, पर इसके अलावा भी एकता नगर में 20 से ज्यादा अट्रैक्शंस हैं, जो आपको यहाँ रुकने, घूमने और बार बार वापस आने के लिए मजबूर कर देंगे। तो आप क्या सोच रहे हैं? पैक योर बैग्स एंड कम विजिट द स्टैचू ऑफ यूनिटी।